क्या हुआ? भाई ये देखो। क्या हुआ दोस्तों? यार हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया, अंडा दे दिया यार, काफी अंडा ज्यादा दिनों के बाद। दोस्तों, कबूतर की एक अपडेट ये देनी थी आपको कि दोस्तों हमारी जो मादी ने कल भाई अंडे के अंदर क्रैक करा था, उसका शायद आज बच्चा निकल गया होगा, चेक करना पड़ेगा या फिर आज शाम तक भाई। ओ दोस्तों देखिए आप भाई साहब, इसको चेक करिए, हमारी मादी का भाई बच्चा निकल गया और कितना ज्यादा छोटा ही है। तो नमस्ते यार सारे दोस्तों को। तो जानवर कैसे हैं आप सभी के भाई, कमेंट में जरूर से बताना। और आपके पास कौन कौन से परिंदे या फिर पेट्स हैं एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो अभी मैं भाई हमारे फार्म हाउस पे, और यहाँ पे देखिए हमारा रेबिट ऊपर चढ़ गया है। तो रेबिट भाई आज तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए हम आज लेके आएंगे पार्टनर, और तुम अपनी ये घास खाओ भाई आराम से। तो दोस्तों हमारे रेबिट को देखिए मैं कितना ज़्यादा खुश रख रहा हूँ भाई, यहाँ पे इसकी पूरी घास है, वहाँ पे इसके लिए पानी है, और ये यहाँ पे भाई चढ़ के खुद ही दाना खा लेता है। और देखिए यहाँ पे इसने अपना घर बनाया है, और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा घास डाल रखी है। तो दोस्तों ये वाली जाली को इधर लगा दूंगा, जिससे क्या होगा भाई हमारा रेबिट है उसके लिए अच्छे से घर बन जाएगा। और दोस्तों ये ऊपर से पट्टियाँ हेड देंगे, तो रेबिट इतना ज़्यादा नहीं कूद पाएगा, और इसके लिए एक फीमेल पार्टनर लेके आएंगे, तो क्या होगा भाई ये दोनों अपने बच्चे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा जल्द भाई मैं जाऊँगा मेरे दोस्त के यहाँ पे, और वहाँ से भाई लेके आऊँगा मैं इसके लिए फीमेल पार्टनर, क्योंकि उसने बोला था भाई मेरे पास है फीमेल, अगर तुमको चाहिए तो तुम आ सकते हो। और दोस्तों हमारा मुर्गा देखिए अभी, दोस्तों मुझे लगता है कि यार ये यहाँ ऊपर चढ़ेगा और ऊपर से तान पे जाएगा, क्योंकि इससे भाई डायरेक्ट नहीं जा पाता है। दोस्तों थोड़ा सा छोटा मुर्गा है यार, पर ये थोड़े टाइम में बड़ा हो जाएगा। और हमारी असीलों को चेक करिए दोस्तों, अब इनके लिए असील मुर्गा जरूर से लाना ही पड़ेगा। देखिए आप इनकी साइज चेक करिए, फुल असील हो गई है ये देखिए आप इसकी। और दोस्तों आपको मैंने कल एक बात बताना भूल गया था कि भाई जो हमारी मुर्गियां हैं ये अंडे नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा भाई अंडे कैसे देंगे जब इनके अंडे देने के लिए जगह ही नहीं होगी। तो अभी सबसे पहले इस वाले मुर्गे को पकड़ता हूँ। तो मुर्गे को दोस्तों मैंने यहाँ छोड़ दिया है, और ये देखिए मैंने कल शाम को भाई मुर्गियों के अंडे देने के लिए एक नरम जगह बनाई है, ताकि मुर्गियों को नरम जगह दिखे और वो नरम जगह में अपने अंडे दें। और यहाँ से भी दोस्तों देखिए मैं जैसे गेट खुलूंगा ना, वैसे हमारे सारे कबूतर मुर्गियाँ और दोस्तों सारी चीज़ें सब बाहर आ जाएंगी, और असील और दो देसी सब। तभी दोस्तों मैं आपको दरवाजा खुलता हूँ और मैं इधर से निकल जाऊंगा बाहर, और उसके बाद भाई आपको दिखाऊंगा कि हमारी मुर्गियाँ कैसे बाहर आती है। ये चेक करिए भाई, अभी नहीं कूदेंगे भाई धीरे धीरे नीचे। ये देखिए सबसे पहले भाई मुर्गा आ गया, अब बारी भाई हमारी असील होगी। ये भाई पहली असील आ गई, ये देखिए दो एक साथ में, और भाई लास्ट वाली, ये देखिए अब सब नीचे आ गए। ये भाई यहाँ पे इनके लिए चावल डालते हैं, और मैं घर के बच्चे भाई चावल लेके आया हूँ, तो ये चावल इनको डालते हैं अभी। असील देसी और भाई हमारा मुर्गा किस तरीके से ये जो चावल में घर से लेके आया था ये चावल खा रहे हैं ये। तो चेक करिए भाई हमारी सारी मुर्गियों ने यहाँ से दाना खा लिया है और यहाँ से निकल गई है, और अब हमारे बारी है कबूतरों की। तो दोस्तों कबूतर की एक अपडेट ये देनी थी आपको कि दोस्तों हमारी जो मादी ने कल भाई अंडे के अंदर क्रैक करा था, उसका शायद आज बच्चा निकल गया होगा, चेक करना पड़ेगा या फिर आज शाम तक भाई। ओ दोस्तों देखिए आप भाई साहब, इसको चेक करिए, हमारी मादी का भाई बच्चा निकल गया, और कितना ज़्यादा छोटा ही है भाई। इसको हाथ लगा दें, देखते हैं आप मारेगी नहीं मार रहे। दोस्तों अंडे का छिलका मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ये चेक करिए आप भाई कितना ज़्यादा छोटा बच्चा, और इन्होंने भाई इसको फीड भी करा रखी है। तो दोस्तों अभी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, अगर मादी मुझे मारेगी थोड़ा सा भाई, सिर्फ अपने बच्चों को दिखा दो। दोस्तों कितनी अच्छी मादी है यार, चेक करिए आप। तो इसके बच्चे को दोस्तों अभी मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ये चेक करिए दोस्तों। तो यार इतना छोटा कबूतर का बच्चा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो भाई पहले कबूतर थे उनका बच्चा तो इतना छोटा नहीं था यार। तो इसको रख देते हैं भाई यहाँ पे इसके पास में दोबारा से, ये मादी रख लेगी इसको अपने नीचे वापस भाई। और चेक करिए दोस्तों यार कितना ज़्यादा मस्त बच्चा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरी चिड़िया का या फिर किसी डव का बच्चा हो। तो ये संडे के छिलकों को भाई मैं बाहर फेंक देता हूँ, हमारी मुर्गियाँ खा लेंगी। तो ये चेक करिए यार, हमारी कबूतरी ने अपने दोनों बच्चे को निकाल लिया है, और कितनी ज़्यादा भाई एग्रेसिव हो चुकी है। तो इससे अब मैं रहूँगा दूर, और इन अंडे के छिलकों को फेंक देता हूँ मैं बाहर। ये देखिए भाई इसने अपने दोनों बच्चे निकाल लिए हैं, अब दोनों बच्चे को अच्छी तरीके से फीड कराएगी। अभी दोस्तों मैं जैसे फार्म हाउस पे आता हूँ, वैसे भाई देखता हूँ कि हमारी कबूतरी गई है बच्चों को दाना खिलाने के लिए। इनके मैंने नेक्स्टिंग बॉक्स में और घास ला के रख दिया, और ये देखिए भाई बच्चे कितने ज़्यादा छोटे हैं, इतने छोटे बच्चे भाई कबूतर के मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। और ये वाला बच्चा यार इसको मुझे लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा कमज़ोर है। ये देखिए इसके मुंह पे कुछ लग रहा है। तो इन दोनों बच्चों को भाई मैं यहाँ रख देता हूँ, और देखिए कितने अच्छी तरीके से भाई खिला रहे हैं बच्चों। और देखिए भाई इसके तो बाल भी नहीं आए इसके। हाँ यार पता नहीं ये प्री मेच्योर बच्चा है, इनको वापस रख देते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। अब इनको इनको अब मैं हाथ नहीं लगाऊँ, इनको जब तक आप हाथ नहीं लगाएंगे जब तक इनके पंख नहीं आ जाते। इसको भी रख देते हैं। तो भाई साहब ये दोनों बच्चों को देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया है, और इन बच्चों को अब डायरेक्ट छेड़ेंगे 7 से 8 दिनों बाद, और देखेंगे भाई ये जो घास बिछाई है इन बच्चों को मतलब लपेट तो नहीं रही अपने अंदर। अगर ये लपेटेगी तो इन बच्चों को हटा के
ये घास को हटा देंगे। तो अभी दोस्तों बारी है हमारी मुर्गियों की, और दोस्तों हमारा जो रेबिट है आज उसके लिए यार हम फीमेल पार्टनर नहीं ले पाए, लेकिन थोड़े टाइम में दोस्तों सिर्फ कल, कल पक्का कल तो चलेंगे, कल दोस्तों हम जाएंगे गौशाला, और हमारे यहाँ पे भाई जिसके यहाँ पे पूरे राजगढ़ में घूम लेंगे, जिसके यहाँ पे भी भाई खरगोश मिले उसके यहाँ से हम खरगोश लेके ही आने, क्योंकि यार हमारा जो नर रेबिट देखे पहले वो कुछ भी नहीं छोड़ता था, देखिए ये घास या सुबह की, ये भाई इस कल रात की, मतलब दोस्तों आज कितनी घास लेके आऊँ इसके लिए, बेचारा खा खा के थक जाता है और इसको मन भी नहीं लगता है। तो दोस्तों इसके लिए एक पार्टनर और जल्दी से लेके आना पड़ेगा, मेल फीमेल अब दोस्तों कुछ भी लेके आएंगे पर जल्दी से लेके आते हैं। दोस्तों अभी देखिए ये हमने भाई पहली बार हमारी इन मुर्गियों को प्लेट के अंदर रोटी गला के रखी, और तब इनका रिएक्शन चेक करते हैं ये खाते भी हैं कि नहीं, पर दोस्तों इनको जैसे भाई ये गली हुई रोटी खाएंगे इनको इतना ज़्यादा शौक लग जाएगा कि सारी चट कर देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ इनको मैं दाना डाल देता हूँ, पर दोस्तों यार मुझे तो दाना डालने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं क्या करता हूँ भाई इनके पास में बैठ जाता हूँ। तो भाई दाना भी डाल दो, कभी रोटी नहीं खाएंगे तो दाना देख के आएंगे और फिर देखेंगे कि रोटी है तो खा लेंगे कभी। बात तू कर, तू देख वो अंडे का छिलका खरी मुर्गी, तू ला जा दाना लेके। ठीक है मैं ये चावल ही लिया, चावल चावल ही लेके आता हूँ। ओ भाई क्या हुआ भाई, ये देखो क्या हुआ। दोस्तों यार हमारी मुर्गी ने अंडा दे दिया, अंडा दे दिया यार काफी ज्यादा दिनों के बाद, पहली बार कम से कम दोस्तों एक महीने के बाद भाई हमारे फार्म पे एक अंडा आया है। तो दोस्तों यार हमारे फार्म पे कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद हमारी मुर्गियों ने अंडा दिया है, पर भाई पता कैसे चलेगा कि ये अंडा है कौन सी मुर्गी का। तो हाँ यार ये बात तो इसकी काफी ज्यादा सही है, देखिए व्हाइट अंडा है तो मे भी हो सकता है व्हाइट वाली मुर्गी ने दिया हो। तो पर भाई मुर्गी तो सारी मुर्गी व्हाइट ही अंडा देती है ना दोस्तों, तो दो दो मुर्गियां भी देती है, असील भी दे सकती है, और वो जो एक लाल वाली है भाई देखिए जो उस तरफ पीछे की तरफ घूम रही है, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ये पौधे के। दोस्तों आज मैं सुबह आया था तो सुबह मुझे यहाँ पे एक भी अंडा नहीं दिखा, और मैंने आपको भाई सुबह ही बताया था कि मैंने यहाँ पे जो टोकरी बना के जाता हूँ, देखिए मैंने थोड़ी बहुत रोटी छोड़ दी थी कि ताकि भाई हमारे जो नर और मादी ये खा ले और अपने बच्चों को जाके फीडिंग कराएं। तो दोस्तों आपको भाई एक बात ये बतानी थी कि मैंने भाई यहाँ पे अंडे रखने की जगह क्यों बनाई, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे अगर हमारी मुर्गी कुड़क बैठेगी तो ऊपर रहेगी सब भाई, मतलब मुर्गी खरगोश से वो थोड़ी दूर रहेगी तो उसको कोई परेशान भी नहीं करेगा, और भाई जो हमारे कबूतर है वो भी मुर्गी को परेशान नहीं करेंगे, और जो दाने की जगह है यहाँ पे भाई हमारा जो है खरगोश आ जाता है तो अगर उसको देख के भाई हमारी मुर्गी डर भी सकती है, इसलिए मैंने ये जगह यहाँ पे बनाई है। और दोस्तों बस अब हमारी मुर्गी ने अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं, तो भाई जैसे ही जो भी मुर्गी कुड़क होगी उसको बिठाएंगे सबसे पहले अंडे पे। तो भाई ये देसी अंडा है ना और आगे दिया हुआ है, हाँ तो भाई इसे मैं ले जाता हूँ मैं। ओ भाई आप ले दे दो ना, ये मुझे ना सर्दी हो रही है तो मैं इसे खाऊंगा। दोस्तों आप इसके काम चेक करिए यार, 2 महीने बाद हमारी मुर्गी ने अंडे दिया है और ये अंडे खाने के कर रहा है वो भाई। तो भाई खा नहीं सकता क्या, मुर्गी के अंडे नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, अंडे खा लेना पर ये अंडा नहीं है। जब ऐसा करते हैं अभी जो मुर्गी नेक्स्ट टाइम जो देगी भाई पूरा भरा हुआ है भाई, खाने दो ना मुझे। दोस्तों यार इसके यही काम मुझे बेकार लगते हैं, जब भी कोई कबूतर के या फिर मुर्गी के अंडे को छेड़ता ही है, और पिछली बार भी भाई कम से कम 20 अंडे हमारे ऐसे फेंकने में गए क्योंकि मुर्गी अंडों के ऊपर बैठी थी और मुर्गी मर गई। तो भाई तू ऐसा मत कर यार, इस बार बच्चे निकालने थे, बच्चे निकालेंगे भाई, बच्चे निकालेंगे उसके बाद जो मुर्गी वापस अंडे देगी भाई वो तू खा लेना ठीक है। ये अंडा तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ अंडे को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अंडे मुझसे छीन लिए थे और वो मुर्गी मर गई। अरे तो अभी तो और मुर्गी है ना घर पे, 5 मुर्गी है यहाँ पे, 4 मुर्गी है तो वो अंडे देगी वो खा लेना, क्योंकि यहाँ पे भाई फार्म हाउस पे तो दोस्तों सिर्फ मुर्गी के बच्चे घूमेंगे यार, यहाँ एक मुर्गी ने अंडा दिया है, अब धीरे धीरे करके सब स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये भी अंडा देगी फिर उनके बाद में घर पर है वो भी अंडा देगी, तो कितनी मुर्गी अंडा देगी सोच लो, कितने अंडे खाए, अंडे 2 रोज के चाहिए, जरूर 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 बिल्कुल देंगे। तो दोस्तों अभी देखते हैं भाई हमारी और कौन कौन सी मुर्गी अंडे देने के लिए आ गई, इनको भाई दाना डालते हैं ये देखिए। और हाँ भाई मैं तो दाना डालने जा रहा हूं, दाना डालना यार इनको, दाना तो डाल।